जनपद हापुड़ में लगने वाले हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा मेले का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। तो वहीं मेले में मंचरों पर एंटी रोमियो टीम जब भारी पड़ गई, जब मंचरों द्वारा घाट क्षेत्र में छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तभी मौके पर पहुंचे एंटी रोमियो स्कॉट टीम प्रभारी मनु सक्सेना मौके पर पहुंचे, वहीं मंचरों की खबर ली और हिदायत के बाद छोड़ दिया। किया गया, किसके द्वारा किया गया और क्या व्यवस्था है इस बार मेले में? हमारे विभागीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी आए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और मेला बहुत ही भव्य आप लोग देखने को मिल भी रहा होगा कि इतनी हम लोगों ने यहाँ पे इस बार सफाई की बहुत ज़्यादा व्यवस्था रखी है। ड्रोन के द्वारा सुरक्षा पर निगरानी रखी जा रही है और शौचालय वगैरह जगह जगह हमारे लगे हुए हैं। कितने लाख श्रद्धालु अब तक मेले में पड़ा डाल चुके? अभी तक जहाँ तक कि हमें सूचना है 7-8 लाख आ चुके हैं जो अब तक की सूचना है। गंगा स्नान को लेकर क्या विशेष तैयारियां कुछ की गई हैं? विशेष तैयारी तो यही है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, हमें पॉलीथीन मुक्त करना है, सफाई का ध्यान रखना है, यही सब कुछ श्रद्धालुओं को चाहिए। अभी जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनको यही चाहिए कि सफाई अच्छे से मिले। और हमने चेंजिंग रूम बनाए हैं, वो लास्ट ईयर भी थे, इस बार हमने और उसको ओपेक करके बनाया है जिससे कि किसी भी तरह की असुविधा किसी भी महिला को ना हो। क्या नाम है? ऐसा ही मनु सक्सेना। अच्छा, मनु सक्सेना जी, जो कौन से आप विभाग से हैं, मतलब ये जो आप यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, तो किस जो टीम गठित हुई है आपकी, किस पर्पज से काम कर रही है और किस चैप्टर पे काम कर रही है? देखिए, ये एंटी रोमियो की टीम है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्यरत है। तो उसके लिए क्या ट्रेजेडी आपने बनाई है, क्या रणनीति तैयार की है, कैसे आप मतलब देखेंगे लोगों को पकड़ेंगे जो इस तरह का कोई मनचले होते हैं, तो उनके लिए एक कोई प्लानिंग होती है, तो क्या प्लानिंग है आपके पास इस तरह? देखिए, मनचले जो हमें मिलते हैं उन्हें पहले तो हम हिदायत दे के छोड़ते हैं, नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ जो भी कानून से संबंधित कार्रवाई है वो करते हैं। लेकिन जब से मैं यहाँ पे हूँ, काफ़ी दिन हो गए मुझे, 31 तारीख से हूँ, ऐसी कोई भी घटना अभी तक हुई नहीं है। अभी तक कोई ऐसी नहीं हुई? नहीं हुई जी। तो कितनी टीमें यहाँ पर आपकी गठित की गई? यहाँ 2 टीमें हैं, एक दिन में है एक रात में। अच्छा, तो दोनों परस्पर सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। वर्दी में है या कुछ प्राइवेट? वर्दी में है और कुछ प्राइवेट में भी है, जैसे मेरे साथ में अभी देख रहे थे आप, दरोगा जी जो हैं, महिला दरोगा जी प्राइवेट में हैं, कांस्टेबल हैं, महिला कांस्टेबल प्राइवेट में है, जेंट्स है कांस्टेबल वो भी प्राइवेट में है। हम इस समय मौजूद हैं गंगा की एक उस नगरी में जहाँ एक तंबू की नगरी बसाई जाती है जो कार्तिक पूर्णिमा मेले को सजाती है। हम उसी एक नगरी में मौजूद है जहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस चाक चौबंद अपने काम कर रही है, वहीं दो प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें पीछे नहीं है। जहाँ इस मेले को जिला पंचायत पूरी तैयारियों के साथ मनाता है, वहीं पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ जुट गया है, क्योंकि यह परीक्षा की घड़ी जो कार्तिक पूर्णिमा मेला जो 25-30 लाख के श्रद्धालुओं की तंबू की नगरी बसती है, उसकी सुरक्षा जिला प्रशासन के हाथ में रहती है, उसी को लेकर इस समय पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी कार्यप्रणाली तैयार कर ली है, जिसमें कई लगभग दो दर्जन पुलिस उपाधीक्षक और एंटी रोमियो दल आदि वगैरह का गठन कर कार्रवाई शुरू कर दी है। CMN से अजय चौधरी, हापुड़।